मंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया। खंडवा के सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान का दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर एक दल उनका सम्मान करता था, हर एक दल से वो ऊपर थे और विरले ही ऐसे नेता राजनीति में पाए जाते हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, उनका निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे और उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। हालांकि बीच में उम्मीदों की किरण जरूर जगी थी, जैसा कि आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना। उन्होंने भी कहा था कि कोशिशें की गई, बहुत प्रयास किए गए उन्हें बचाने के, लेकिन ईश्वर के आगे उनकी भी नहीं चल सकी। और आज नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया हमारे बीच में नहीं रहे। 5 फरवरी को मेदांता में उन्हें भर्ती करवाया गया था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। और उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा के बुरहानपुर से विधायक रहे थे। इसके साथ ही 1996 में उन्होंने 11वीं लोकसभा में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था, जीते भी और उसके बाद संसद में पहुंचे। उसके बाद 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के वो सदस्य।